नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने वाली है। हर इंसान के मन में होता है कि क्या मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, मैं जीवन में तरक्की करूंगा, हर कोई चाहता है। हाथ के कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो आपको व्यक्त कर देते हैं। आपके हाथ में अगर ये चिन्ह है तो आप अपने जीवन में अवश्य उस मुकाम को हासिल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे विचारों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संचार के बारे में बताती है, हमारे अटल विश्वास को भी बताती है। तो सबसे पहले हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात की है, ख्याति की बात की है, प्रसिद्धि की बात की है। वो रेखा वो चिन्ह हमारे इन्हीं लाइनों से बन जाते हैं और एक दिव्य की दृष्टि बन जाती है और जीवन में उसका संचार भी होता है। अगर हम जीवन में ऊंचाइयों की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, जीवन में स्थिरता की बात करते हैं, जीवन में हमेशा प्रयास करने की बात करते हैं, वो सबसे पहले हमारी सूर्य रेखा ही बताती है और सूर्य की फिंगर बताती है। जैसे कि हम दूर की चीज देखने में सक्षम है, दूर की चीज तभी हमें दिखेगी जब हमें उतना दिव्य ज्ञान होगा। दिव्य ज्ञान का मतलब रोशनी से है, प्रकाश से है। और कई लोग आपने देखा होगा इसी अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन में काफी प्रसिद्धियां प्राप्त की है। सबसे पहले सूर्य की ये जो फिंगर है ये बड़ी होनी चाहिए। ऐसे लोग जीवन में कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा निरंतर होता है इनका प्रयास, हमेशा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये सूर्य का पर्वत बड़ा हो, ये आपके पर्वतों के गुण को बढ़ा देता है, ताकत दे देता है। और यही ताकत आपके अच्छे विचारों की कला को बताता है। आप स्ट्रोंग होंगे, मजबूत होंगे, तभी अच्छे काम करने की समर्थता आपके अंदर होगी। सूर्य का पर्वत अच्छा है, सूर्य की लाइनें अच्छी है, ऐसे लोगों का जीवन स्वस्थ होता है, निरोगता को बताता है। और इसी के ऊपर बने हुए कुछ शुभ चिन्ह है जो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देंगे। और यहां पे एक फिश साइन, ये फिश साइन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला देती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का मतलब होता है कि प्रसिद्ध होना। और इसी के ऊपर एक सूर्य की रेखा हो, ये प्रॉपर हो, और सूर्य रेखा के ऊपर एक बनी हुई लाइन जिसको हम कहते हैं फिश की लाइन, फिश के चिन्ह हो, सिंबल बना हो, फिश का सिंबल। जितनी बड़ी आकार में होगी उतना बड़ा फल देती है, सबसे शुभ साइन मानते हैं हम हस्तरेखा में। ऐसे लोगों का नेम फेम भी होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी होती है और प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोग जीवन में अधिक धन भी प्राप्त करते हैं। और ये चंद्रमा का क्षेत्र है, और चंद्रमा के क्षेत्र से अगर एक फिश साइन बन जाए
ये चंद्रमा का पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत। चंद्रमा का पर्वत सोचने की कला को बताता है, आपके अंदर कितनी ताकत है। ये कला है, जैसे कई लोगों का कला कई तरह का होता है, और यहां पर फिश की साइन अगर बनती है तो आपको कला के क्षेत्र में भी सफलता दिलाती है। ऐसे लोग डांसिंग में, सिंगिंग में, और ऐसे लोग एक्टिंग में काफी सफलता प्राप्त करते हैं, और इनके जो सोचने की शक्ति होती काफी मजबूत होती है, दूर की दृष्टि को समझने में एक सक्षम होते हैं, और ऐसे लोग जीवन में प्रयासरत रहते हैं और हर सफलताओं को प्राप्त करते हैं, और ऐसे लोगों की जो दिव्य दृष्टि होती है तेज होती है, और जीवन में नेम फेम भी प्राप्त करते हैं, और जो इनके काम करने की गति होती है काफी स्पीड होती है, और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।